नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं चंद्रशेखर, प्रिंसिपल दानवीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रौनीजा पलवल। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पेरेंट्स और टीचर दोनों ही मिलकर काम करेंगे तभी शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। केवल हम ये कहें कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल टीचर्स की है, या ये कहें कि ये केवल पेरेंट्स ही हैंडल कर सकता है, या हम ये कहें कि भाई कि बच्चा तो केवल हमारे पास 6 घंटे रहता है, बाकी अदर टाइम्स घर में रहता है तो पेरेंट्स सुधार कर सकते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर टीचर रोजाना बच्चे को होमवर्क देता और अगले दिन उसकी जवाबदेही लेता, किसी भी कार्य को देता है, रोजाना उसकी चेकिंग की जाए, रोजाना उसका आउटपुट लिया जाए, तो बच्चा निश्चित तौर से घर जाके होमवर्क करता। नैतिक मूल्यों में जो आज गिरावट है उसके लिए टीचर्स भी जिम्मेवार हैं, समाज भी जिम्मेवार है, पेरेंट्स ही। जब तीनों ही पक्ष अपनी बराबर की भागीदारी निभाएंगे, पूरी अपना ध्यान करेंगे बच्चे का, तभी हमारे नैतिक मूल्यों में सुधार आ सकता है। यौन शिक्षा को आज के समय को देखते हुए पाठ्यक्रम में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए, और इसको 9th क्लास से तो बिल्कुल 100% शुरू कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है कि व्यवसाय बना दिया गया है, लेकिन स्कूल जो प्राइवेट है वो बच्चों की फीस से ही चलता है, और इसलिए बच्चों को फीस तो पे करनी ही पड़ती है। लेकिन ये गलत है कि भाई जो उनसे पैसा लिया जाता है उसको किसी गलत काम के लिए यूज किया जाता है, जो भी बचता है पैसा खर्चा होने के बाद तो उनकी फैसिलिटी के लिए ही उस खर्च किया जाता है। छात्र जीवन में जो दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारी दिनचर्या ही ठीक नहीं है तो हम जो छात्र जीवन में जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है या कुछ अच्छा करके दिखाना है उसको नहीं कर पाएंगे। इस दिनचर्या में यही है कि कम से कम मॉर्निंग टाइम में हर एक बच्चे को 5 बजे तो जरूर से जरूर उठना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।